डिक्टेशन कृति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में सामान्य रूप से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है, जहां जहां कुछ कमजोरियां हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित किया है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका सामना किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती हैं। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश भर में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इसी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 84 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी केवल सहभाषा के रूप में है, लेकिन फिर भी अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे कदम उठाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। जो आंकड़े हमें दिए गए हैं उनमें बताया गया है कि पत्र सूचना कार्यालय के हिंदी विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में
अपर्याप्त कर्मचारी थे। इस दृष्टि से इस विभाग में हिंदी के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके लोकसभा सचिवालय में हिंदी के काम में काफ़ी प्रगति हुई है। इस समय लोकसभा की कार्यवाही दोनों भाषाओं में चल रही है, लेकिन अगर इस काम में हमारा सूचना मंत्रालय अपनी भाषा नीति के कारण पिछड़ा रहा तो यह बड़े दुख की बात होगी। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है और जितना महत्व आज दिया जा रहा है वह बहुत कम है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया था कि निर्यात की आमदनी में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया था कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात से हम 100 करोड़ रुपए के लगभग अपनी आमदनी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना महत्व इसका होने के बावजूद भी मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात है कि आप कृषि के ऊपर जिसमें 100 करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है 1 करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसे हम औद्योगिक उत्पादन मानते हैं उस प्रकार का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। वास्तव में कृषि उत्पादन केवल कृषि से हो सकता है, क्योंकि कृषि वस्तुओं से ही आपके दूसरे औद्योगिक संस्थान चलते हैं। यदि रुई देश में पैदा ना हो तो कपड़ों को कैसे बना सकते हैं? यदि मूंगफली देश में पैदा ना हो तो वनस्पति घी देश में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सारा उत्पादन कृषि वस्तुओं पर ही निर्भर है। इसी तरह से खनिज पदार्थों की स्थिति है। यदि खनिज पदार्थ निकालने पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो उससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारे उद्योगों को काम मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में कमाई जा सकती है। हमारे देश में हर प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़ा भंडार हमारी भूमि में उपलब्ध है। स्टॉप। अगर आप हमारे पेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध सभी डिक्टेशन की यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी शब्द की डिक्टेशन नहीं आएगी। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर उपलब्ध सभी डिक्टेशन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।